फ्रॉम आ पेशेंट ऑफ स्क्रोटल सिस्ट हुम आई जस्ट ऑपरेटेड। हम अभी लाइव जा रहे हैं कि पेशेंट का फीडबैक ले सके। अभी जस्ट हमने एक सर्जरी ख़त्म की है, स्क्रोटल सिस्ट सर्जरी, और वही पेशेंट का हम अभी फीडबैक लेने जा रहे हैं। आई विल जस्ट शो यू ट्रीटेड पार्ट फर्स्ट, जस्ट लेट मी फोकस। सो दिस इज द ट्रीटेड पार्ट, ये ट्रीटमेंट पार्ट है। हल्का सा ब्लीडिंग हो रहा है वहाँ पे, और ये हमने निकाले हुए सिस्ट, हमने 750 से भी ज़्यादा सिस्ट निकाले हैं, ये आप देख सकते हैं जूम करके, छोटे छोटे बहुत सारे सिस्ट हैं, ये निकाले हुए सिस्ट, ये ट्रीटेड पार्ट। सो दैट वॉज द ट्रीटेड पार्ट एंड द एक्साइज सिस्ट। वी हैड रिमूव्ड मेनी टाइनी सिस्ट, अराउंड मोर देन 750 सिस्ट वी हैव मैनेज्ड टू रिमूव टुडे विदाउट एनी स्टिच और एनीथिंग। वी हैव डन इट अंडर लोकल एनेस्थीसिया। सो वील जस्ट टॉक टू आर पेशेंट नाउ। यस, आप सबको हेलो बोल सकते हैं। येस, सो आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन द पेशेंट कंसिडरिंग द प्राइवेसी ऑफ पेशेंट, बट ही इज जस्ट विलिंग टू गिव हिज फीडबैक। तो क्या आप बता सकते हो आप कहाँ से आए हो? वेर हैव यू कम फ्रॉम? असम। असम से आया हूँ, फ्रॉम असम। ओके, और ये प्रॉब्लम कब से है आपको? ये 3 years। फ्रॉम 3 years? 3 years। ओके, और आपका एज क्या है? 27। तो आपको 3 years से वो आइडियली विजिबल हो रहा है, बट वो उससे भी पहले से थे, क्योंकि इतने सारे सिर्फ 3 years में नहीं हो सकते। प्रॉबली आप अराउंड 21-22 years के होगे तभी आपको वो सिस्ट होना शुरू हो गया होगा, एंड अभी 3 साल से वो ज़्यादा विजिबल है। विजिबल है, तो उसमें कुछ तकलीफ हो रही थी आपको? हाँ, बहुत खुजली होता है। ओके, बहुत पेन, मतलब बहुत खुजली होता है, प्रॉब्लम बहुत करता है। तो आप यूट्यूब में आपको देखा तो आपके पास बहुत अच्छा सर्जरी होता है, इसलिए आपके पास आया और अच्छा हुआ सर्जरी। ओके, और इससे पहले आपने कोई ट्रीटमेंट किया था इसके लिए? हाँ किया था, बट उधर अच्छा नहीं हुआ। तो आपके मतलब क्या ट्रीटमेंट किया था? सर्जरी किया था तो उधर कंप्लीट एक बार में नहीं करता है, छोटा छोटा पार्ट करके करता है, इसीलिए आपके पास आया। ओके, और कब किया था आपने इससे पहले वाला सर्जरी? ये 1.5 साल हो, 1.5 साल पहले किया था, और 1.5 साल में फिर से अभी 750 सिस्ट आपके पास अभी फिर से आ गए हैं स्किन के ऊपर। ओके, तो पेशेंट हैड टेकन द ट्रीटमेंट, ही हैड डन सर्जरी अराउंड 1.5 years बैक, एंड उसमें कितने निकाले थे? सिर्फ 5। ओनली 5 वॉसेस वर रिमूव्ड इन एट दैट टाइम, बट आइडियली देर आर मेन माइक्रोस्कोपिक सिस्ट विच ऑल्सो हैव टू बी रिमूव्ड सो दैट यू डोंट गेट द सिस्ट अगेन। स्टिल इवन आफ्टर रिमूविंग सो मेनी, अगर बहुत ज़्यादा टाइनी सिस्ट है जो आँख से विजिबल नहीं है, इफ देर आर मोर टाइनी सिस्ट विच आर नॉट विजिबल टू आईज लाइक माइक्रोस्कोपिक, देन देर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग इट अगेन, बट स्टिल यू विल नॉट गेट सो मेनी। तो इतने सारे एक साथ में नहीं आएंगे, क्योंकि हम बहुत सारे एक साथ में निकाल रहे हैं, तो फ्यूचर में आने का चांस बहुत कम कम होते जाता है। ओके, और आपका ओवरऑल सर्जरी का फीडबैक कैसे रहा? फीडबैक तो गुड, अच्छा है। जिस जिसको ये सिस्ट का प्रॉब्लम है आप मैम के पास आ सकता है, बहुत अच्छा सर्जरी करते। बाकी मैं बहुत देखा नेट में, यूट्यूब में, लेकिन इसलिए आपके पास इतना दूर आया, इधर अच्छा हो रहा है सर्जरी। ओके, थैंक यू सो मच। आप आसाम से हो? आसाम से हूं। और आसाम से हमारे पास बहुत सारे कॉल्स मैसेजेस आते रहते, बट उनको लगता है कि बहुत दूर है आने के लिए, तो उनको आप क्या बोल, कैसे आए, कौन सा स्टेशन वगैरह, थोड़ा सा आप गाइड करोगे आसामी पेशेंट्स को? हाँ, गुवाहाटी कामाख्या रेलवे स्टेशन से मुंबई LLT में आ सकता है, उधर से पुणे आ सकता है, इतना परेशान नहीं आने के लिए। आसामी में आप आपकी लैंग्वेज में कुछ उनको मैसेज दो। हाँ, सर्जरी का एक्सपीरियंस, और उनको बोलो ट्रीटमेंट के लिए आना है तो मेमोर्स और आहिबो पड़े जे यात ভাল সার্জারি হয়, বাকি जो চাইছো বা নেটো চাইছো ভালকে সার্জারি নহয়, মানে কি এবাৰ নহয়, ডক্টৰবোৰে কয় 2-3 বাৰ বা আধা আধাকে কৰে, বাট ইয়াত একেবাৰতে হয়। তো আপোনালোকে ইয়াত আহিব পাৰে, মেমোৰ শ্বৰ্ট ভাল সার্জারি হয়, আজি মোৰ সার্জারি হৈছে। ওকে, সো দ্যাট ওয়াজ আ পেশেন্ট টকিং ইন হিজ
local language, that was Assamese language, Assamese. right? So he was talking in Assamese language for all the patients from Assam. So hope you get encouraged to get treated for your cyst. There is nothing you have to be worried about. डरने जैसे कोई भी नहीं है इसमें. नहीं हाँ, अगर बहुत दिनों तक ट्रीटमेंट नहीं करते हो तो आपका स्पर्म काउंट कम हो जाता है, वही एक चीज है. तो आप ट्रीटमेंट कर लोगे तो वो भी नहीं होगा. बाकी इसमें डरने जैसी कोई भी बात नहीं है. मिस्टर मोहम्मद जी बोल रहे हैं, यस वेलकम. यस थैंक यू मिस्टर मोहम्मद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग आवर लाइव सेशन. आपके ऐसे कोई भी डाउट्स है, कोई सवाल है, या आपको सेम प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारा नंबर है 8055398727. ये हमारा नंबर है. यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन 8055398727 टू गेट रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज रिगार्डिंग टू सिस्ट. +91 इज माई कंट्री कोड, दैट इज इंडिया. इफ यू आर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड नॉट कैरिंग इंडियन पासपोर्ट, यू हैव टू गेट अ मेडिकल वीसा टू कम टू अस फॉर ट्रीटमेंट, एंड वी हेल्प यू इन ईच एंड एवरी स्टेप टू गेट दैट मेडिकल वीसा. ओके, इफ यू फील दिस वीडियो मे हेल्प टू एनी ऑफ योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, प्लीज डोंट हेजिटेट टू शेयर. मे बी योर क्लोज वंस आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम एंड दे आर नॉट टॉकिंग विथ यू, सो इट मे हेल्प समवन टू गेट दैट थिंग सॉर्टेड. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर सो मच लव एंड ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट. प्लीज कंटिन्यू द सेम. थैंक यू सो मच. बाय.